Good morning, friends. Have you ever thought yourself that you should have more than 24 hours in a day? क्या आपने कभी ऐसा सोचा या आपके मन में कभी ऐसा विचार आया कि आपको एक दिन में 24 hours से ज्यादा होना चाहिए? Yes? Yes or no? अगर हाँ तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपके साथ टाइम मैनेजमेंट की एक छोटी सी बात के बारे में बात करूँगा, जिसे हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। उस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। My dear friend, I am Sanjay Shah, behavioral trainer and life coach with a mission to make this world a better place to live in by helping people to get what they want through coaching and training. तो मैं बात कर रहा था आपसे टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स की। ये जो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझने की जरूरत है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपने लाइफ में टाइम मैनेजमेंट को अच्छी तरह से कर सकते हैं, अपने समय को बहुत ही बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है, यहाँ जो फिगर है, ये जो फिगर, इसको आप देखिए। इस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स में क्या है, ये चार पार्ट में बांटा हुआ है, चार पार्ट में बांटा हुआ है। जो पहला जो पार्ट है वो है इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, जो सेकेंड पार्ट है वह है इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, जो थर्ड पार्ट है वह है नॉट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, एंड जो चौथा जो पार्ट है वह है नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। तो हम बारी बारी से एक एक क्वाड्रेंट को समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला जो हमारा क्वाड्रेंट है वह है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। जो इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट जो चीज़ है, वो आपके लाइफ में कई बार ऐसा होगा जो इम्पॉर्टेंट भी होगा और अर्जेंट भी होगा। जैसे आपका कल एग्ज़ाम है, आपने कोई बुक नहीं खरीदी है, तो क्या करेंगे आप उस बुक को कहीं ना कहीं से खरीद के लाने की कोशिश करेंगे, राइट? ये इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी हो गया, बिकॉज कल आपका एग्ज़ाम है। जो दूसरा पार्ट है इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके पहले हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, उस वो है नॉट इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट। जो नॉट इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट है वो क्या है, आप जैसे छोटे मोटे फ़ोन कॉल्स आपको आते रहते हैं, आप कहीं जाने के लिए रेडी हैं, आपके पास कॉल आया, आपने इमीडिएट कॉल फ़ोन निकाला, फ़ोन रिसीव किया और उधर से कॉल वाला बोलता है, Sir, I am talking from so and so marketing company. Would you like to have a credit card? मैं इस प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रहा हूँ, आपको घर खरीदना है क्या? तो ये क्या है, नॉट इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट है। फोन कॉल्स जो है अर्जेंट है, कभी आपको जब घंटी बजती है तो क्या अर्जेंसी होती है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके लाइफ में जो आपका इम्पॉर्टेंट नहीं होगा लेकिन अर्जेंट होगा। अब जो चौथा जो क्वाड्रेंट है वो है नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट वो क्या है, वो आपको अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप फेसबुक देख रहे हैं, इंटरनेट पे वीडियोस देख रहे हैं, आपके पास ईमेल, अननेसेसरी ईमेल्स आ रहा है, उसको देख रहे हैं, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, जिसका कोई ओर छोर नहीं है, इसका कोई वैल्यूज़ नहीं है, आप अननेसेसरी अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। अब देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं जिनके जो मैक्सिमम टाइम है वो इसी तीन में जाता है, लेकिन जो चौथा क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, जो सेकंड क्वाड्रेंट जो मैंने छोड़ दिया था, वो सेकंड क्वाड्रेंट की मैं जब बात करूँगा तो वो क्वाड्रेंट ऐसा है जिसको सक्सेसफुल पीपल, जितने भी लोग हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं, उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं।
वो क्या है? इंपॉर्टेंट है लेकिन नॉट अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। जैसे आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए, व्हाट आर योर ड्रीम्स, व्हाट आर योर प्लान्स, आपकी जो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी लाइफ में, आप जो भी पाना चाहते हैं उसे कैसे पा सकते हैं। इस तरह से ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, देन डूइंग है, आपको नेगोशिएशन है, किसी से आपका जो रिश्ता है ख़राब है उसको अच्छा करना है, आप जो अपने लाइफ में चाहते हैं उसे पाने की कोशिश करना है, आपका हेल्थ डाउन हो रहा है उस हेल्थ को बेटर बनाना है, तो ये सब चीज़ें जो है वो होता है नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, इसलिए हम उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और सक्सेस की सीढ़ियों में हायर एंड हायर जाना चाहते हैं, तो आपका जो लाइफ है, आपकी जो ज़िंदगी है, उसमें आपको कहाँ समय ज़्यादा देना है? क्वाड्रेंट नंबर 2 पे, इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। क्या है? प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, आपका ऑर्गेनाइजिंग है, वर्किंग है, डूइंग है। प्लान करके उसके बारे में सोचना, ठंडे दिमाग से सोचना, वो है हमारा क्वाड्रेंट नंबर 2। आपकी गोल सेटिंग है, टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, आपका मिशन है, विजन है, ये सब चीज़ें जो है सेकेंड नंबर क्वाड्रेंट में आता है, वो है इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो 4 जो क्वाड्रेंट हमने सीखा उससे ये ध्यान रखिए, जो पहला जो क्वाड्रेंट है वो है इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, उसको क्या करना है, आपको मैनेज करना है, उसको कोशिश करिए कैसे आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। जो दूसरा क्वाड्रेंट है वो है इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, उस पर आपको फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप उस पर दीजिए और फोकस करिए कि ये है हमारा फोकस, और अकॉर्डिंग टू दैट फोकस आपका जो लाइफ है मूव करता रहेगा। और जो तीसरा जो क्वाड्रेंट है वो है नॉट इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, उसको क्या करना है, नॉट इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट को अवॉइड करना है, उसको अवॉइड करिए। जो चौथा जो क्वाड्रेंट है वो है नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, उसको भी अवॉइड करना है। तो हमें क्या ध्यान देना है, आपका जो मैक्सिमम टाइम है कहाँ जाना चाहिए, क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 2 पे। क्वाड्रेंट नंबर 1 क्या है, इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, उसको क्या करना है, मैनेज करना है। और जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, उसको फोकस करना है। जो तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट बचा उसको अवॉइड करना है। ओके, सो आई होप आई मेड यू वेरी क्लियर दैट हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंग टू दिस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, एंड आई होप यू विल हैव अ ग्रेट टाइम इन योर लाइफ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।